प्रॉब्लम सॉल्व इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक है कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं बिना कन्वर्ट करे हुए। इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही आपका पीडीएफ को कन्वर्ट कर देता है वर्ड फाइल में। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले तो इसके लिए आपको ओपन करना होगा अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर। तो चलिए जैसे कि हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है तो आप यहाँ पे आ जाएं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लें और उसके बाद आपको ओपन करनी है वो पीडीएफ फाइल। तो उसकी लोकेशन का याद रखें, वो लोकेशन कहाँ पे है और कैसे जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देगा आपके वर्ड फाइल में और आपको आप उस वर्ड फाइल को इजीली एडिट करके उसके बाद दोबारा पीडीएफ में ही सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ओपन करते हैं अपनी कोई पीडीएफ फाइल। और ओपन करने के लिए आपको ओपन की ऑप्शन पे आना है और उसके बाद आपको कोई भी पीडीएफ फाइल आप अपने कंप्यूटर में सर्च करके देख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको अवेलेबल है आप वो पीडीएफ फाइल वहाँ से ओपन कर लेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये ही पूछेगा आपसे कि आप पीडीएफ को एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है ईजिली कन्वर्ट हो जाती हैं और थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो पीडीएफ के ग्राफिक्स में आता है, पिक्चर्स में आता है। तो चलिए हम यहाँ पे ओपन करते हैं, थोड़ा सा ये आपका सॉफ्टवेयर लोड लेगा, उसके बाद जो है इजीली वो फाइल जो है आपकी पीडीएफ फाइल जो है वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी और आप उसको इजीली जो है एडिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कन्वर्टिंग फॉर्म 30 पीडीएफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करने के लिए। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं स्टेटस बार में कि कैसे जो है आपका फॉर्म 30 अब कन्वर्ट होने जा रहा है। जो हमने एक पीडीएफ फाइल ओपन करी थी वर्ड में वो कन्वर्ट हो गई है हमारा वर्ड फाइल में और हम इसको इजीली जो है एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आप इसको इजीली जो है एडिट कर सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत टेक्स्ट इसमें ऐड कर रहा हूँ जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और इसको मैं सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे सारे चेंजेज आप इस पे कर सकते हैं। जो पिक्चर्स होती हैं पिक्चर्स को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं या जो भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो थोड़ा बहुत एरर आता है वो पिक्चर्स में ही आता है, बाकी आपका पूरा का पूरा स्कैनिंग का डॉक्यूमेंट भी चेंज होके पीडीएफ बन जाता है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं कन्वर्ट हो गई हैं। अब इस फाइल वर्ड फाइल को हम दोबारा पीडीएफ में ही सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा फाइल ऑप्शन पे, उसके बाद सेव एज पे। सेव एज पे आपको एक लोकेशन चूज करनी होगी कि आपको इसको कहाँ पे सेव करना है। मेरे को इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो आप डेस्कटॉप करके आप फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, आप फाइल का नाम चेंज कर लें। उसके बाद आप हमेशा याद रखें कि इसको सेव एज टाइप को चेंज करना होगा, तभी आपकी ये वर्ड फाइल जो है पीडीएफ बनेगी। ये आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं, उसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो अभी मैंने सेव एज टाइप को पीडीएफ कर दिया है अब, और मैं यहाँ पे सेव ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो मेरी ये जो वर्ड फाइल थी ये दोबारा पीडीएफ में सेव हो जाएगी। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजीली आपने पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर लिया। सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं, पर आप ये सबसे इजी मेथड मेरे को पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करने का लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर करा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे वो पीडीएफ फाइल जो हमने सेव करी थी, अभी ये पीडीएफ फाइल बन गई है। जो हमने नेम चेंज करा था वो नेम भी आपके सामने आ रहा होगा। तो दोस्तों इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं चैनल में तो नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें और इस चैनल की कोई भी वीडियो ताकि आप मिस ना कर पाएँ और नई नई जानकारियाँ जो हम आपके साथ शेयर करते हैं आप भी उन जानकारियों को उन ट्रिक्स को सीख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।